हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत बढ़िया सा वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है बेसिकली सेकंड पार्ट की वीडियो है। जो पहला वीडियो है हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है, जिसने भी नहीं देखा वो देख ले, क्योंकि पहला वीडियो में ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग थिंग है ना कि इस जो मोल्ड है, ट्रिप्लेट मोल्ड देख रहे हो, इसके बारे में हमने समराइज करा। इसमें जो आपकी गियर देख रहे हो, इसमें जो आप हाइड्रोलिक देख रहे हो, वो हमने समराइज किया। इसमें जो आपकी लिप्टर है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके जो पार्ट है, इसमें कोलैप्सिबल कोर है और स्प्लिट मोल्ड है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और जो इसकी जो इंसर्ट है, इसके हमने जो इलेक्ट्रोड है, कैसे इलेक्ट्रोड डिसाइड करना है, कहाँ पे कितना इलेक्ट्रोड लेना चाहिए, क्या साइज लेना चाहिए, इसकी स्पार्क गैप कितना होना चाहिए, ठीक है, वो चीजें हम इसमें डिस्कस करा है ऑलरेडी। तो जिसने भी ये वाला वीडियो जाके नहीं देखा, वो वाला वीडियो पहले देख ले, क्योंकि वो वीडियो मिस कर दोगे तो आपको कुछ कुछ चीजें इसमें समझ नहीं आएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें मैं पूरी जो भी इलेक्ट्रोड है, इसकी मैं मशीनिंग करने वाला हूँ, क्योंकि जितना भी प्लेट मशीनिंग करते हो, जो भी इलेक्ट्रोड मशीनिंग करते हो, बहुत ही फर्क हो जाती है। आपको पता होना चाहिए हर एक इलेक्ट्रोड का स्पार्क गैप होती है। अगर आपने डिजाइन में स्पार्क गैप नहीं दिया है, तो मशीनिंग में आपको कैसे स्पार्क गैप लेना है, तो क्या आपको बताना है, जो भी आपका टूल रूम है जहाँ पे मशीनिंग होंगे, उस बंदे को आपको क्या बताना है, क्या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए, कितना एम्पियर पे आप इलेक्ट्रोड चलाओगे, कितना इसकी स्पार्क गैप लोगे, स्पार्क गैप के साथ एम्पियर कैसे चेंज होगा, तो हर एक चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कैसे आपको बनाना है हर चीजें मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो है इलेक्ट्रोड बन गया है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रोड को मैं जो यहाँ पे एक्सपोर्ट करूंगा डायरेक्ट फीजी में। तो सबसे पहले मैं जो फीजी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, जो मेरा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आपको मास्टरकैम में वीडियो चाहिए या डेलकैम में चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज का जो प्रोग्रामिंग होगा फीजी के ऊपर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फाइल को क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। मैंने जो फाइल है, मैंने इसको एक्सपोर्ट करके सेव कर लिया है। तो यहाँ पे इंपोर्ट में जाना है आपको, जो भी आपकी एक्सटेंशन है, जैसे मैंने पैरासोलिड में सेव करा है, इसको मैं सिलेक्ट करके जहाँ पे भी है मेरा लोकेशन, तो इसको मैं यहाँ से ले लूंगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ सर्टेन अमाउंट यहाँ पे रखा था मैं, तो इसको सिंपली मैं ले लूंगा। तो इसको मैं सेलेक्ट व्यू कर दिया। तो दोस्तों, अभी मेरा क्या है, ये मेरा जो है लाई हो रखा है अलग गलत तरीके से, तो इसको मैं मशीनिंग के हिसाब से इसको मैं सेट कराऊंगा, ठीक है। तो इसके एक्सिस लेके, जो भी एक्सिस में आपको लगाना है, तो इस एक्सिस के ऊपर इसको रोटेशन कर दो, ठीक है। तो आपको देख लो, आप अपने अकॉर्डिंग इसको रोटेशन कर सकते हो, 90 आपको करना है, ठीक है। तो हम इसको 90 करके सेट कर दिया। तो अभी जो है ये 90 में है, ठीक है। तो जब भी करना है इसको 90 करके करना, क्योंकि 90 करके करोगे ना, तो अभी क्या होती है, इलेक्ट्रोड जो है आपका निगेटिव बन जाती है, कोई भी डिजाइनर वगैरह गलती कर सकता है, तो इसमें वो पता लग जाता है कि ये 90 है या नहीं है। तो ये एक सही तरीका से है, जो भी इलेक्ट्रोड होता है हमेशा 90 होना चाहिए। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, 90 बोले तो कैसा, जैसे मेरा ये इलेक्ट्रोड है, तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे जो एरिया है, इसको 90 करना है। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको जो एरिया है, देखो यहाँ पे क्या है ना, आपकी यहाँ पे देख रहे हो, ड्राफ्ट एंगल कुछ नहीं है, यहाँ पे ड्राफ्ट एंगल कुछ नहीं है, ये 90 होना चाहिए, ये फेस 90 होना चाहिए, ये फेस 90 होना चाहिए, और ये वाली फेस जो आउटर फेस है वो 90 में होना चाहिए, कभी भी ड्राफ्ट नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगर ड्राफ्ट आ जाएगी फिर मशीनिंग गलत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये प्रोफाइल के हिसाब से वो चेंज हो सकती है, बट जो ये प्रोफाइल है ये हमेशा 90 में होना चाहिए आपको, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, जो मेरा यहाँ पे सीजे है, जो मेरा इलेक्ट्रोड है, तो इसको मैं बनाऊंगा ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में क्यों बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा रिब्स देख रहे हो आप, यहाँ पे जो ये रिब्स देख रहे हो ना आप, ये क्या बहुत पतला है, तो अगर इसमें कॉपर में बनाऊंगा ना, तो ये क्या होता है, बेंड हो सकता है ना, ये क्या होता है, वेयर क्या हो सकता है, तो ये लगते लगते गल जा सकती है, मतलब बहुत कुछ चीजें हो सकती है, बेंड वगैरह भी हो सकता है। तो इसको मैं ग्रेफाइट में बनाऊंगा। ग्रेफाइट क्या होगा, इसमें मशीनिंग जो आपकी आउटपुट निकल के आएंगे, जो एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा होती है, उसमें बेहतर आपकी पॉलिशिंग, जो आप ऊपर इलेक्ट्रिक लगाते हो ना, वो आपके दिखने में भी बढ़िया लगेंगे, तो वो चीज़ें कॉपर में नहीं हो पाते, तो हम इसमें ग्रेफाइट में बनाएंगे। तो अभी मैं सबसे पहले इसको, मैं जो मेटेरियल है उसके हिसाब से मैं इसको शेड करूंगा, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके यहां से यहां पे लेके मैं इसको मूव कर दूंगा, यहां से जहां पे भी लेना है, तो मैं एक ही लाइन पे लूंगा कि मशीनिंग मेरे को ईजी हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसको एक ही लाइन पे सेट करा है। उसके बाद दोस्तों अभी यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे मैं कितने का कटर लगाऊंगा, पहले मुझे वो देखना है। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 6 का कटर लगाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 6 का कटर लगाऊंगा, तो इसको मैं मूव कर दूंगा 60 mm। 60 mm क्यों मूव करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा कटर है, तो 6 mm लगाऊंगा, तो एक कुछ ना कुछ जो मेरा रन आउट है, तो 1 mm का जो रन आउट है, दोनों में मेरा टच हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं, तो 6 mm है, तो मैं यहाँ पे 7 mm जो है, मतलब मैं यहाँ पे 6 mm से फिनिशिंग कर रहा हूँ,
बट यहाँ पे मैं एक एक एमएम एक्स्ट्रा लूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो रनर है, जो रनआउट है मेरा कटर का, वो इसमें ना आए, तो इसीलिए जो मैं एक एमएम का ऑफसेट रखूंगा इसमें। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, 7 एमएम आपको रखना है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे हो गया है। अभी इसको मैं जो है इसकी सेंटर पे मैं इसको मूव करूंगा। पहले मैं इसकी बाउंड्री बॉक्स ले लूंगा, ठीक है। इसकी बाउंड्री बॉक्स लेके करोगे तो ज्यादा इजी हो जाती है आपके लिए। तो इसके फिर मैं रोटेशन करके कमांड लूंगा, तो फिर इसको मैं सेंटर टू सेंटर मूव करवा लूंगा इसको, ठीक है। तो फिर इसको मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं फ्रॉम यहां से, और इसकी मिड पॉइंट निकल जाएगी। फिर इस मिड पॉइंट से इसकी मिड पॉइंट पे हम इसको मूव कर देंगे, ठीक है। अब इसकी आप अगर देखना है तो बाउंड्री बॉक्स लेके आप देख सकते हो कि हाँ ये सही है या नहीं है। तो आप इसको देखोगे तो यहाँ पे हम बाउंड्री बॉक्स, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है 7.5 7.5 इस हिसाब से हम इसको पहले सेट कर लेंगे। तो जब भी इलेक्ट्रोड की मशीनिंग वगैरह करना है तो ये वाली जो मैं कॉन्सेप्ट बताया इसको ध्यान रखना। तो हमेशा जो है यहाँ पे कितना भी कटर चलाना है, जैसे मैंने 6 का कटर चलाऊंगा मिनिमम, क्योंकि 3 का कटर चलाऊंगा ज्यादा टाइम लग जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 mm ले लिया, क्योंकि टूल मेरा यहाँ से एंट्री आराम से हो जाए, कि यहाँ पे टच ना हो, तो ये ऐसा कोई दिक्कत ना है, ये ध्यान रखना आपको। तो आराम से यहाँ पे एंट्री हो और यहाँ से आराम से एग्जिट हो, तो इसीलिए मैं 6 की जगह में 7 mm का मैं करके रखा हूँ, ठीक। तो दोस्तों अभी जो है हम इसमें मशीनिंग के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे हम केम नेविगेटर में गया, तो यहाँ पे जो भी मेरा मॉडल है हम इसमें ऐड मॉडल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा पीस है इसको हम जो है पीस ले लेंगे, और यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को जो है सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जो 3 आपके आर्टिकल है। तो सबसे दोस्तों बहुत लोग मैंने देखा है जो भी इलेक्ट्रो डिजाइन वगैरह करते हैं, वो हर एक चीज़ों को ना एक ही करके करते हैं, मतलब एक साथ करते हैं। तो एक साथ करने का जरूरत नहीं है, हम इसमें जो तीनों इलेक्ट्रोड है अलग अलग प्रोफाइल के हैं, हम तीनों को एक साथ मशीनिंग करेंगे। इसमें अपने क्या फायदा हो जाएंगे, इसमें अपना बहुत टाइम सेविंग हो जाएंगे, इजिली मशीनिंग हो जाएंगे, टाइम बहुत आपका सेव हो जाएंगे, और आपकी मेटेरियल जो है आपको अलग अलग से एक्स्ट्रा लेना नहीं है, इसमें ही आपको सारा चीज़ आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हम जो है यहाँ पे स्टॉक ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा पहले पहले, थोड़ा सा सिस्टम का इशू है। तो यहाँ जो है जितना भी आपका एरिया है थोड़ा सा सिस्टम स्लो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है हम ऑपरेशन में गया, जो मेरा प्रोजेक्ट है ऐड कर दिया, यहाँ पे मैं कौन सी मेटल ले रहा हूँ वो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल जो है मैं तो बाय डिफॉल्ट है वही ले रहा हूँ मैं। ऐड ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन करूँगा मैं, यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले जो है रफिंग करूँगा, ठीक है। तो रफिंग में कौन सी टूल लगानी है आपको पता है ऑलरेडी, मैं इसकी क्लास ले चुका हूँ, जिसको भी नहीं पता है पुराना क्लास देख ले। तो यहाँ पे जो मैं कितने का टूल ले रखा हूँ, क्या चीज़ का, हर एक चीज़ का आपको डिटेल मिल जाएंगे। 6 का जो है मैं यहाँ पे एन मिल ले रखा हूँ। तो रफिंग में क्या करूँगा मैं, जो मेरा साइज एलुवेंस है 0.1 mm का, मैं साइज एलुवेंस रख दूंगा, बॉटम एलुवेंस में भी रख दूंगा। और यहाँ पे स्टेप ओवर जो है 50% रखा हूँ, स्टेप डाउन जो है 0.2 काफ़ी है। और यहाँ पे जो लिमिट वगैरह है तो आपको कुछ जरूरत नहीं है रखने का, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेफ्टी डिस्टेंस वगैरह रखना है तो रख सकते हो, ठीक है। और एक्सेल में हम एक्सेल रिलेशन में लेंगे और यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा हम इसमें क्या कर देंगे, बिल ऑपरेशन कर देंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएंगे आपको, क्योंकि जो भी आपका टूल पट बना है उसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा सिस्टम टाइम लगाता है। तो इसमें जैसे आप देख रहे हो 31% हो गई, 61% हो गई, 70% हो गई, तो बस थोड़ा सा इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। तो पहले हमने इसमें क्या कर दिया, रफिंग कर दिया, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका रफिंग जो है हो गया है। अब उसके बाद जो है हम दूसरा ऑपरेशन लेंगे, यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो भी मेरा है एनविल है तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा है, जो भी मेरा पीस है, ठीक है। अब मेरा जो है T5 है, अब मैं क्या करूंगा, पहले मेरा 10 का लगाया था, अब मैं 6 का लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सेम बाकी चीजें आपको सेम रखना है, सिलेक्ट ऑपरेशन में जो भी लास्ट ऑपरेशन है उसके अलावा अगर लेके बनाना है तो यहाँ पे आप बना सकते हो। अगेन सेम रखना है, 0.2 था, अभी 0.1 कर दूंगा, क्योंकि मैंने टूल भी छोटा कर दिया है। तो यहाँ पे सेफ्टी डिस्टेंस एक्सेल, यहाँ पे भी आपको एक्सेल लेना है, ठीक है। अब इसको भी मैं बिल्ड ऑपरेशन कर दूंगा, यहाँ पे जाके सिंपली मैं इसको बिल्ड ऑपरेशन कर दूंगा, ठीक है।
तो दोस्तों इसमें जैसे आप देख पा रहे हो जो मेरा पहले का ऑपरेशन था, तो मैंने इसमें क्या है 10 का कटा चलाया है। उसके बाद जो है मैंने जो मेरा ऑपरेशन था पहले का, जो मेरा राफिंग ऑपरेशन है, इसकी मैंने रेस मशीनिंग ले लिया। इसके मैंने रेस मशीनिंग लेने के बाद मैंने 6 का कटा चलाया। अभी मैं क्या करूंगा, इसमें मैं Z0 कर दूंगा। मेरा यहाँ पे जो जेड है ना, इसको मैं Z0 टूल चलाऊंगा। मतलब यहाँ पे मेरा जो भी मशीनिंग, जो भी मेरा यहाँ पे स्टॉक रह गई थी, इसको मैं हटा दूंगा, Z0 कर दूंगा। उसके बाद जो है मैं क्या करूंगा, अब मेरा यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सीधा चलाऊंगा एनमिल चलाऊंगा, ठीक है। एनमिल क्या करूंगा, इस प्रोफाइल की रफिंग कराऊंगा एनमिल का। उसके बाद जो है मैं बोल चलाऊंगा 1 का, इसको फिनिशिंग करने के लिए। तो अभी मेरे को 2 ऑपरेशन हो गई, पहला मेरा रफिंग हो गई, उसके बाद मेरा क्या हो गई, रेस मशीनिंग हो गई। अब मैं क्या करूंगा, Z0 करूंगा, जेड लेवल मेरा 0 करूंगा। उसके बाद मैं 1 रफिंग चलाऊंगा प्रोफाइल के लिए, उसके बाद मैं प्रोफाइल का फिनिशिंग कराऊंगा। तो 5 ऑपरेशन में मेरा जो तीनों इलेक्ट्रोड हो जाएगा। अब मैं इसमें आपको अलग से क्या बताऊंगा, इसमें मैं देखो जब भी अब मशीनिंग की बात अलग हो गई, अब इलेक्ट्रोड में आते हैं। जब भी इलेक्ट्रोड डिजाइन करते हो, इलेक्ट्रोड की मशीनिंग करते हो, तो वहां पे क्या छोड़ना पड़ता है, आपको स्पार्क गैप छोड़ना पड़ता है। तो आप कितना स्पार्क गैप छोड़ना है, फिनिशिंग में कितना होता है, रफिंग में क्या होता है, वो मैं आपको करके बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है हम इसको क्या करेंगे, अभी इसका हम जेड लेवल करेंगे। तो एयर ऑपरेशन में जाएंगे, कॉन्स्टेंट जेड फुल लूंगा मैं 6 का, ठीक है, ओके। अब इसका जितना भी जेड था, जो भी स्टॉक जेड में रह गया था, इसको हम 0 करेंगे। तो सेम वही रखना है आपको, ठीक है। हेलिकल लूंगा यहाँ पे, स्टेप डाउन हम जो है कम कर देंगे इसको, और यहाँ पे लिमिट वगैरह जो है एज इट इज रहेंगे, इसको हम ओके कर देते हैं। अब इसको फिर हम जो है ये ऑपरेशन जो होगा, एक्सेल मैंने आपको बताया था, दोनों को हम एक्सेल कर लेंगे, और यहाँ पे सेफ डिस्टेंस फिर ओके, ये आपको सेम रखना है। और यहाँ पे जाके हम इसको बिल ऑपरेशन कर देंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे मेरा जेड हो गया अभी 0, अभी यहाँ पे ऑपरेशन जो है प्रोसेस में चल रहा है। अब मेरा हो गया जेड 0। अब अपने वो करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे मेरा जेड हो गया 0। अब जो है मैं ऊपर का जो प्रोफाइल देख रहे हो, इसकी मैं ऑपरेशन करूंगा, ठीक है। जो मेरा प्रोफाइल होगा उसकी मैं ऑपरेशन करूंगा। तो पहले प्रोफाइल हम देख लेते हैं क्या है प्रोफाइल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे रेडियस आ जाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑफसेट ले रखा है इस एरिया को। तो इस प्रोफाइल को जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इस प्रोफाइल को भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आउटर बाउंड्री ऑन वर्क प्लान ऊपर जो है इसकी प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें करना क्या है आपको, जो ये ऑब्जेक्ट है हमने देख लिया, यहाँ पे जो मेरा हेलिकल लिया था, जो आपने देख दिया जेट मेरा 0 हो गया यहाँ पे, है ना। अब अपने को करना क्या है, एयर ऑपरेशन करना है, राफिंग। अभी हम कितने का टूल लेंगे, टूल हम लेंगे इस बार छोटा वाला टूल लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एनमिल लिया था, अब यहाँ पे जो है आपका 1 का चलाऊंगा मैं। अभी मैं राफिंग कराऊंगा एनमिल से, जो मेरा प्रोफाइल है उसकी मशीनिंग कराऊंगा, बट रफिंग कराऊंगा, इसलिए मैं एनमिल ले रहा हूँ, ध्यान रखना है चीजें, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूंगा कितना स्पार्क गैप रखना है, कितना क्या रखना है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको मैं 0.01 रखा है, साउंड अलाउंस जो है, और यहाँ पे जो है मैं 0.05 का रख दिया है। और लिमिट वगैरह आपको सेम ही होगा यहाँ पे भी, कुछ शेरखानी करना नहीं है। और इसमें जो है सेफ्टी डिस्टेंस, और यहाँ पे एक्सेल, ठीक है, और यहाँ पे भी एक्सेल, हमने इसको ओके कर दिया है। उसके बाद जो है इसको मैं बिल ऑपरेशन कर दूंगा। यहाँ पे जो मेरा प्रोफाइल है इसको मेरे को सिलेक्ट करना है पहले जो है, उसके बाद जो है यहाँ पे जितना प्रोफाइल है आपको सिलेक्ट करना है, और जो सिलेक्टिव ऑपरेशन है इसको आपको सिलेक्ट करके इन्हों को जो है एक ऑपरेशन में लाना है। हम इसको फिर ओके करके इसको मैं राइट क्लिक करके फिर मैं इसको कर दूंगा बिल्ड ऑपरेशन। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, जो भी प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के अलोंग ये जो मशीनिंग हो जाएंगे, यहाँ पे जो भी प्रोफाइल हो रहा है इस प्रोफाइल के अलोंग ये हो रहा है मशीनिंग, और इस मशीनिंग के होने पर ये रफिंग हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपको पता है 1 का एनमिल चला दिया है। अब इस एरिया में थोड़ा सा टाइम लगेंगे क्योंकि रफिंग हो रही है, और इस एरिया में जो है ये जो भी मेरा रेक्टेंगुलर स्लॉट है उस स्लॉट के अलोंग जो यहाँ पे मशीनिंग हो जाएंगे आपका, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे ही जो भी आप बनाते हो इस तरीके से आपको बनाना पड़ता है। आप देख रहे हो ये मशीनिंग हो गया है, एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसी तरीके से जो है ये सर्टेन एरिया में जो आपने बाउंड्री बनाया है, इस बाउंड्री में जो है ये मशीनिंग हो गई, ये आपका रफिंग हुआ है फिलहाल। अभी इसके बाद जो है हम इसकी बॉल लेंगे। अभी मैंने क्या ले लिया, अभी मैंने एनमिल ले लिया, अभी मैं बॉल लूंगा, बॉल से मैं इसका फिनिशिंग करूंगा।
अब जो हम बात करेंगे स्पार्क गैप की, ठीक है, तो जो भी आपको स्पार्क गैप लेना है, रफिंग का अलग स्पार्क गैप लेना है और फिनिशिंग का आपको अलग स्पार्क गैप लेना है। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जब भी आप स्पार्क गैप लेते हो ना, स्पार्क गैप किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पार्क गैप आपका डिपेंड करता है इसकी जो भी मशीन है उसकी एम्पियर के ऊपर। अगर आप रफिंग कर रहे हो, रफिंग में हम क्या करते हैं, 0.1 से लेकर 0.2 का हम स्पार्क गैप रखते हैं अगर इलेक्ट्रोड की हम रफिंग करते हैं। बट इस जो एरिया है इसमें मैं रफिंग में कोई आपका स्पार्क गैप नहीं रखा हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा रिब है। अगर रिब में आपको इतना जरूरत नहीं है कि रफिंग में आप स्पार्क गैप करो, अगर आपकी आर्टिकल भरा है तो उस केस में आपको स्पार्क गैप लगाना पड़ता है। अब रही बात एम्पियर की, जो भी मशीन ऑपरेटर है, जो भी इलेक्ट्रोड भरा मशीनिंग करते रहते हैं, उसको पता होगा कि हम 0.1 से लेकर 0.2 हम स्पार्क गैप रखते हैं पर साइड। अगर देखो मैं इसमें आ रहा हूँ, अगर मैं एम्पियर जो है रफिंग हम कितने में चलाते हैं, अगर 10, 8, 10, 12 हम मैक्सिमम जो इसकी एम्पियर जो है मेंटेन करते हैं मशीन पे। अगर आप जितना आपका स्पार्क गैप बढ़ेगा इतना मशीन का आरपीएम बढ़ेगा, या जितना मशीन का आपका जितना आपका एम्पियर बढ़ेगा उतना आपका जो है स्पार्क गैप बढ़ेगा। ये डिपेंड करता है, मतलब स्पार्क गैप बढ़ेगा तो एम्पियर बढ़ेगा, एम्पियर बढ़ेगा तो स्पार्क गैप बढ़ेगा, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यार एक चीज है, यहाँ पे जैसे मैंने फिनिशिंग करूंगा तो फिनिशिंग में हम क्या करते हैं 0.75 का आपको स्पार्क गैप रखना है, ठीक है। इसमें मैं फिनिशिंग में स्पार्क गैप रख रहा हूँ, रफिंग में क्यों नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि ये पतली रिब है, ठीक है, इसमें जरूरत नहीं है। अगर बड़ा प्रोफाइल होगा तो मैं उसमें रफिंग में भी रखूंगा। तो अभी जो रफिंग है थोड़ा सा आपको टाइम लगेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे मैं जो अभी मेरा देखो यहाँ पे रफिंग, तो यहाँ पे मेरा रफिंग हो गया बोल्ट से, तो यहाँ मेरा प्लेट तो मतलब बन गया है, ठीक है। बट यहाँ पे जब मैं इसकी फिनिशिंग के लिए जब मैं बोल्ट चलाऊंगा तो मैं यहाँ पे एक का बॉल चलाऊंगा, ठीक है, और एक का बॉल उस चलाऊंगा, इसमें मैं जो है स्पार्क गैप रख दूंगा 0.75 का। तो पहले मैं आपको एक बार प्रोफाइल दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों मैं आपको जो ये चीजें बता रहा हूँ ना, आपको कोई ट्रेनिंग वाले बंदा नहीं बता पाएंगे, आपको ये सब चीजें आपको कोई ट्रेनिंग वाला बंदा नहीं बता पाएंगे। अगर आप पैसा कोई ट्रेनिंग सेंटर में आप वेस्ट करने जा रहे हो ना तो मत करो, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मत करो। अगर आपको कमान सीखना है ना, वो आप यूट्यूब या कहीं से भी सीख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आप कमान सीख के ना आपको अच्छा पैसा भी नहीं मिलने वाला, अच्छा आपको जॉब भी नहीं मिलने वाला है। अगर आपको आप स्किल करना चाहते हो तो ऐसे बंदे से सीखो जहाँ पे आपको इंडस्ट्री के लेवल में सीखने को मिले, जहाँ पे आपको इंडस्ट्री में कुछ चीजें सीखने को मिले, तो वो चीजें आपको कल काम आएंगे। आपको ये काम नहीं आएंगे कि आपको कितना सॉफ्टवेयर आ गया, आपको कितना सॉफ्टवेयर आ गया, आपको सॉलिडवर्क्स आ गया, आपको एनएक्स आ गया, आपको कुछ भी आ गया, वो आपके लिए मैटर कभी नहीं करता है। आपको कुछ चीज मैटर करता है तो आपको कितना डिटेलिंग में काम आता है, वो आपके लिए मैटर करता है। तो दोस्तों जैसे भी कभी भी कुछ चीजें सीखना हो ना, तो ऐसे सीखो कि आपको वो चीजें जो है कल आपका काम आ जाए। अब आपने आपके लिए जो है ना हमेशा एक इन्वेस्टमेंट कर लो जो आपकी ये कल काम आए। आज का जो एक एक स्टेप लोगे ना, वो आपके लिए कल कल जो है एक बहुत बड़ी समुंदर बनाएंगे। तो बूंदी बूंदी से ना समुंदर बनती है। तो आपको ऐसे सीखो कि हर आपका हर एक मेहनत जो आपके लिए कल काम आ जाए, ठीक है। तो ये आपके लिए सही है। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, थोड़ा सा ऑपरेशन में टाइम लग रहा है, तो हम जैसे टाइम लग रहे हम बात कर रहे हैं आप लोग से। तो यहाँ पे दोस्तों ठीक है, अपने इलेक्ट्रोड का मशीनिंग समझ लिया। कभी भी अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो, अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो अगर इलेक्ट्रोड की मशीनिंग करना है तो इस तरीके से जाके आप इलेक्ट्रोड की मशीनिंग कर सकते हो। तो ये एक बेसिक तरीका है इलेक्ट्रोड का मशीनिंग करने का। आपको कहीं पे भी इस तरीके से आप कर लो, मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कहीं पे भी किसी से तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। तो पहले इसको होने देते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों इसमें अभी जो है हम फिनिशिंग करेंगे बॉल से, ठीक है। तो ये मेरा ऑपरेशन है जिसको मैंने बॉल, इसमें टाइम लगती है, तो इसको हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैं पहली वाले जो ऑपरेशन है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, या दोबारा से मैं इसको बना लेता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं जो प्रीवियस कमांड है। इसमें क्या थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एड ऑपरेशन करूँगा, उसके बाद जो है मेरा स्टेप एंड सोलो ले लूंगा मैं। स्टेप एंड सोलो में क्या होता है, फिनिशिंग में बहुत काम आता है आपका। और यहाँ पे हम लेंगे बॉल का, ठीक है, कितने का लूंगा मैं 1 mm का, और यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं ओके कर दूंगा। और जो भी मेरा पुराना वाला है उसमें मैं काम करना है, और यहाँ पे मैं जो है स्टेप एंड सोलो ले लूंगा। और जो स्टेप ओवर होगा मैं फिनिशिंग में बहुत कम रखूंगा इसको मैं, तो यहाँ पे 0.05 ले लिया मैंने। स्टेप डाउन भी मैं यहाँ पे, आपको पता होगा स्टेप ओवर क्या है, स्टेप डाउन क्या है। स्टेप डाउन होता है जहाँ पे एक कटिंग होने के बाद जो नीचे जाते हैं, स्टेप ओवर होता है एक टूल और दूसरे टूल में जो डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो इसमें मैं लिमिट में गया, ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सेफ्टी डिस्टेंस को सेम रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं वर्टिकल दे रहा हूँ,
उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसको जाके हम जो है यहाँ पे बिल ऑपरेशन कर देंगे। उससे पहले एक चीज और करना मेरे को रह गया है, यहाँ पे जो अपने को मैंने आपको बताया था ना स्पार्क गैप के बारे में, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो आपको देखो यहाँ पे मैंने 27 है, तो यहाँ पे जो है मैं साइड 11, ठीक है, 0.75 मतलब 70 माइक्रोन का जो है मैं यहाँ पे साइड 11 दे दिया, मतलब ये हो गया आपका स्पार्क गैप। ठीक है, इस तरीके से आपको स्पार्क गैप डालना है जब भी इलेक्ट्रिक मशीनिंग करते हो। तो मैं ओके कर दिया, इसके बाद जो है हम उसकी बिल ऑपरेशन कर देंगे। अब बिल ऑपरेशन में थोड़ा सा टाइम लगेंगे, तो ये था इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी तरीके से आपको मशीनिंग करना है, इसी तरीके से मशीनिंग करोगे तो कभी भी आपको किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अगर आपको अच्छा प्रोग्रामर हो या आपको अच्छा मशीनिंग के नॉलेज है तभी आप अच्छा डिजाइनर बन पाओगे, अदरवाइज आप बहुत कुछ चीजें मिस कर पाओगे, अच्छा डिजाइनर नहीं बन पाओगे। अभी भी मैं देखता हूँ जो भी 3-4 साल बंदे हैं इलेक्ट्रोड बनाते हैं, अभी भी ऐसा इलेक्ट्रोड है कि ये 90 में जेड में है ही नहीं। ठीक है, बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम होती है, नो डाउट, मैं किसी को बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, वो हो जाता है कभी कभी। आप कुछ चीज में आप बहुत सारा कभी कभी हम ऐसे मोल्ड बनाते हैं जिसमें 150-200 इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है, 150 इलेक्ट्रोड लगाना, 200 इलेक्ट्रोड लगाना मुश्किल नहीं है, मतलब वो इलेक्ट्रोड महीने में करने में ना, अगर आपके पास एक मशीन है जहाँ पे आपको 150-200 इलेक्ट्रोड लगाना है, धीरे धीरे 2-2 महीना लग जाती है इलेक्ट्रोड खत्म होने में। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कभी कभी ऐसा होता है ना इलेक्ट्रोड से भी हम इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा चीजें होती है, तो ये तरीका होता है जैसे भी आपको मशीनिंग वगैरह करना है। आई होप आपको समझ में आ गया, इसी तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ चीज आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे भी हमने यहाँ पे बोल्ट लगाया है ना, तो ये बोल्ट हमने नीचे से क्यों लगाया, जैसे आपने यहाँ पे बोल्ट देखे इसको नीचे से क्यों लगाया, यहाँ पे हमने ये लिमिट क्यों दिया, डिले ओपनिंग वगैरह क्यों यूज किया हो, जैसे ये मेरा स्क्रू पुलर है इसको कैसे बनानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने गाइड पिलर है इसको मैंने ऊपर से किया क्यों लिया, नीचे से मैं क्यों नहीं ले सकता था, तो वो सारा चीजें अगर आपको क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, ऐसे जो आपको क्वेश्चन पूट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ट्रेनिंग वगैरह चाहिए तो पेड क्लासेस वगैरह चाहिए तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें होती है जो भी कंपनी वगैरह जाता होती है हम सोशल मीडिया में शेयर नहीं कर पाते, सबसे बड़ी इश्यू वही होती है। और बाकी जो भी क्लासेस वगैरह होते हैं तो हम इसमें क्या है कुछ चीज़ें ब्रीफली एक्सप्लेन कर पाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हम इसमें शेयर कर पाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हम उसको समझा पाते हैं बेटर तरीके से, तो वो चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पे कोलेप्सिबल कोर है, इसकी कॉन्सेप्ट कैसा है, कैसा चलेगा, वो चीज़ें होती है। इसमें हमने की लगा के भी निकाल सकते थे, इसके हमने एक बार में मशीनिंग करके क्यों निकाल दिया, टी लगा ले तो हम लोग क्या फायदा होता है, तो बहुत कुछ सारा चीजें है जो आपको समझना आना चाहिए, जो आपको दिमाग में आना चाहिए। अगर वैसी वैसी चीजें आपके पास आएंगे तो भी आपकी दिमाग जो है सही तरीके से काम करेंगे, सही मोल डिजाइन कर पाओगे, तो उस तरीके से आपको सोच सोच के डिजाइन बनाना होता है। जब भी हम ट्रिपलेट मोल बनाते हैं तो बहुत कुछ चीजें होती है, इसमें हमने जैसे बोल्ट लगाया, कभी कभी हम नाइलॉन बुश लगाते हैं, कभी कभी हम इसकी लिमिट लगाते हैं, कभी कभी यहाँ पे देख रहे हो आप लैच लगाए, लैच ओपनिंग क्यों लगाते हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैंने एक आपको अलग से वीडियो डाला हो, अगर आपको जैसे यहाँ पे हमने मिशुमी का कोई भी स्टैंडर्ड जो मोल एक्सप्रेस वगैरह यूज करना सीखना है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि अगर सही तरीके से रेस्पॉन्स आएंगे, जैसे यहाँ पे कुछ भी चीजें हैं, कैसे आपको इंपोर्ट करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, क्या काम करना पड़ेगा, लाइब्रेरी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी डाल देना, तो इसी तरीके से आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो भी क्लासेस वगैरह लेना है डेफिनेटली, क्योंकि अभी थोड़ा सा ऐसा सिचुएशन है कि थोड़ा सा टाइम वगैरह नहीं मिल पा रहे क्लासेस के लिए, जो यूट्यूब में क्लास होती है मेरी, तो थोड़ा सा अभी स्टूडेंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो क्लास वगैरह वैसे टाइम नहीं मिल पा रही है, कोई बात नहीं। बाकी जो भी डाउट वगैरह है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।